नवी मुंबई में प्रस्तावित महाराष्ट्र भवन अब साकार होने वाला है। आज वित्त मंत्री अजीत पवार ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए महाराष्ट्र भवन के लिए 100 करोड़ की निधि का ऐलान किया। इस भवन के लिए बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे कई वर्षों से लगातार मांग करती आ रही थी। उन्होंने भवन के लिए निधि का प्रावधान करने पर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार के प्रति आभार जताया। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र भवन याची एक आपण बैठक लावी म्हणजे हात जोडून आपल्याला विनंती आहे। 15-15, 20-20 हजार लोक ज्यावेळी भरतीला येतात तेव्हा त्यांची राहण्याची खाण्याची पाण्याची काही व्यवस्था नसते। तर हे महाराष्ट्र भवन वाशीसारख्या मेन ठिकाणी जिथे रेल्वे स्टेशन आहे, बस सेवा आहे, अशा ठिकाणी जर महाराष्ट्र भवन दादा झालं तर सर्वांना त्याचा उपयोग होणार आहे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाडी सरकारने अपने तीसरे बजट में नवी मुंबईकरों के लिए दो बड़े तोहफे दिए हैं। पहला तोहफा वाटर टैक्सी किराए पर लगने वाले 30% टैक्स को 3 सालों के लिए घटा दिया है, तो वहीं वाशी में सिडको भूखंड पर प्रस्तावित महाराष्ट्र भवन निर्माण के लिए 100 करोड़ की निधि का प्रावधान किया है। आज वित्त मंत्री अजीत पवार ने 2022 का बजट पेश करते हुए महाराष्ट्र भवन के लिए 100 करोड़ की निधि का ऐलान किया। बताना जरूरी है कि बेलापुर की बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे इस महाराष्ट्र भवन के निर्माण के लिए कई वर्षों से लगातार मांग करती आ रही हैं। 8 मार्च को भी उन्होंने बजट अधिवेशन में इसका मुद्दा उठाते हुए 20 वर्षों से अधर में पड़े भवन का शीघ्र निर्माण कराने की मांग की थी। आज उन्होंने बजट का स्वागत करते हुए नवी मुंबईकरों की ओर से इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री का आभार जताया। तसेच उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी जो अर्थसंकल्प जो आज मांडलेला आहे त्या अर्थसंकल्पाचं मी स्वागत करत आहे। नव्या मुंबईकरांच्या वतीने नवी मुंबईमध्ये गेली 15-20 वर्ष महाराष्ट्र भवनाचा विषय प्रलंबित होता, तो विषय सातत्याने मी या सभागृहात घेतल्यामुळे परवाच्या मी पुरवणी मागण्यात सुद्धा अजितदादा पवार यांना सांगितलं की महाराष्ट्र भवन हे महाराष्ट्रात होणं किती गरजेचं आहे आणि त्यासाठी आज अर्थसंकल्पामध्ये 100 कोटीची तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये महाराष्ट्र भवनासाठी केलेली आहे। म्हणून मी पुन्हा एकदा त्यांचं अभिनंदन करते। दुसरं, सर्वसामान्यांसाठी वॉटर टॅक्सी जी चालू केली होती त्याचं भाडं 800 होतं, ते परवडत होतं आणि त्या दिवशी अजितदादा उद्घाटनाला आले होते। त्या दिवशी सांगितलं की भाडं कमी करण्यात यावं, सर्वसामान्य लोकांसाठी वॉटर टॅक्सी आज अजितदादांनी सभागृहामध्ये जाहीर केलं की 30% जो दर लावला होता तो पूर्ण कमिशन 3 वर्षासाठी माफ करण्यात येईल। त्यामुळे सर्वसामान्यांना वॉटर टॅक्सीचा प्रवास करता येईल आणि त्यांना दिलासा दिलेला। त्यामुळे मी दोघांचंही मनापासून अभिनंदन करतो। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TVN इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।